नमस्कार आदाब, न्यूज 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। डीसी ऑफिस में मतदाता जागरूकता के लिए सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक सेल्फी स्टैंड बनाया है। सोमवार को इस सेल्फी स्टैंड का शुभारंभ डीडीसी मनीष कुमार ने किया। जिला प्रशासन जिले में मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है, इसी के तहत सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 1000 से अधिक पोस्टर दुकानों में लगवाए हैं। इन पोस्टर के जरिए लोगों से अपील की गई है कि वे 25 मई को मतदान जरूर करें। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि ने बताया कि पोस्टर लगाने का काम शुरू है। उन्होंने बताया कि अब डीसी ऑफिस में एक सेल्फी स्टैंड बना दिया गया है ताकि लोग यहां सेल्फी लें, इससे मतदाता जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि जिला प्रशासन के इस अभियान से कई निजी संस्थाएं जुड़ी हैं और मतदाता जागरूकता अभियान चला रही हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगामी जो चुनाव जमशेदपुर में होने वाला लोकसभा चुनाव 25 मई 2024, उसके लिए पूरा एग्रेसिव है और हम लोग ने दो दिन पहले पोस्टर लॉन्च भी किया था, स्टिकर भी हम लोग ने लॉन्च किया है। जो कार स्टिकर है, हर दुकानों में जितने भी मेंबर्स हैं उनके शॉप्स में वो पोस्टर आज से लगना चालू हो गया है। तो करीब 1000 से ऊपर पोस्टर जो है हम लोग दुकानों में लेके लगाएंगे। और यहाँ पर भी हम लोग ने उस दिन भी हम लोग सेल्फी स्टैंड बनाए थे और जिला प्रशासन के सहयोग से हम लोग ने सेल्फी स्टैंड आज यहाँ पर भी बनाया है, जिसमें चैम्बर ने सेल्फी स्टैंड बना के जिला प्रशासन को दिया है। और मुझे लगता है कि लोगों को सेल्फी स्टैंड में भी आके फ़ोटो खींचना चाहिए, खाली बूथ में जाके उस समय वोटिंग के समय ही सेल्फी लेने का ज़रूरत नहीं है। वोटिंग के पहले भी अगर आप सेल्फी स्टैंड में आके सेल्फी लेके अगर अपने फ़ोटोज़ को पोस्ट करेंगे, लोग उससे जागरूक होंगे और अधिक से अधिक संख्या में वोट देंगे। और हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि जमशेदपुर जो है वो वोटिंग परसेंटेज के मामले में पूरे देश में अव्वल हो। क्या नाम हुआ? मानव खेड़िया, महासचिव सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स।